फिर दोबारा कोर्ट ने कल लौटा दिया था चालान को और ये कहा था कि इसमें जो है उनकी विधि रूप से तामील कराएं। तो जब ज्योति नगर SHO सरोज दहल उनके तामील कराने गई तो उन्होंने चारों पार्षदों ने संबंध को लेने से इनकार कर दिया। इसको कोर्ट ने आज जो है उसको तामील मानते हुए चारों पार्षदों के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया और जो पूर्व मेयर सौम्य गुर्जर के खिलाफ भी प्रसंज्ञान लेते हुए, लेकिन उनके तामील नहीं हुआ। क्यों? घर पे नहीं थे वो, उनका बच्चा बीमार बताया पुलिस को कि बच्चा बीमार है, इस आधार पे उसके तामील नहीं। उनको 15 दिन का समय दिया गया है और चारों पार्षदों को गिरफ्तार रिमांड से तलब करके 2 अगस्त को तलब किया है चारों पार्षदों को। अच्छा ओम, लेकिन अब ऑप्शन क्या बचता है जो पार्षद है उनके पास, सौम्या के पास ऑप्शन क्या है, वो क्या कर सकते हैं? वो कोर्ट में उपस्थित हुए, चालान पेश हुआ है तो कोर्ट उस आधार पे उनको जमानत मुचल के जो भी प्रोसीजर होगा उसके आधार पे, पुलिस ने अभी तक चालान के आधार पे उनको दोषी माना है, प्रसंज्ञान ले लिया कोर्ट ने पुलिस के। अच्छा, तो जो मुश्किलें हैं वो पार्षदों के साथ साथ सौम्या गुर्जर की भी बढ़ सकती हैं। अभी फिलहाल तो मुश्किलें खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है इस खबर के बाद से। तो जी, और इसमें आज परिवादी की ओर से एडवोकेट AK Jain एसोसिएटेड ने उनके वकालतनामा पेश किया जगमित्र सिंह देव, और उन्होंने ये कहा कि साहब तामील मानी गई है और इनको गिरफ्तार रिमांड से तलब किया जाए। जी अच्छा, तो 15 दिन के भीतर कभी भी इन पार्षदों को पेश होना होगा कोर्ट में। पार्षदों के खिलाफ तो गिरफ्तार वारंट जारी किए गए और सौम्य गुर्जर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है, तो वो संबंध जारी करेंगे कोर्ट दोबारा और फिर उनको दोबारा उनमें आना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। अच्छा, कोर्ट में सिर्फ पेश होंगी सौम्या गुर्जर, बाकी के लिए जो 4 पार्षद है उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, आप ये कह रहे हैं ओम? जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब लगातार जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या और निलंबित पार्षदों से जुड़ा ये पूरा मसला है, कोर्ट ने किस तरीके से गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने पूर्व मेयर सौम्या, पार्षद अजय सिंह चौहान जो नाम है पार्षदों के वो भी आपको बता रहे हैं, अजय सिंह चौहान है, शंकर शर्मा है, पारस जैन है, रामकिशोर प्रजापत है, पूरा संज्ञान लिया है सभी के खिलाफ और जज अमित शर्मा ने चारों पार्षदों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही सौम्या गुर्जर की तामील नहीं मानते हुए 15 दिन का वक्त दिया गया है, कोर्ट में पेश होना होगा। और ये भी आपको बताएं कि पुलिस ने 4 जून को FIR दर्ज कर 14 और 30 जून को पेश किया था चालान। और साथ ही परिवादी जगमित्र सिंह देव की ओर से एडवोकेट AK Jain एसोसिएट ने पैरवी की। अब ये मसला किस तरीके से आगे बढ़ता है, लगातार इस पर नजर रहेगी। बार बार इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट की तरफ ही रुख है सौम्या गुर्जर का भी, बार बार ये कहा जा रहा है कि कम से कम कोर्ट से तो न्याय उनको मिलेगी, न्याय की दरकार है। अब जो ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या वो सही दिशा है या फिर आगे चलकर अब ये किस तरीके से मोड़ लेता है, क्या होता है, क्या इसमें ऑप्शन बचते हैं पार्षदों के पास भी, इसको भी खंगालने की कोशिश होगी। लगातार जो कानूनी जानकार हैं वो भी इस मसले पर जानकारी जुटा रहे हैं, बार बार ये पूरा मसला किस तरीके से पेचीदा होता हुआ या फिर और भी गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है चारों पार्षदों के खिलाफ और 15 दिन का वक्त दिया गया है सौम्या को, उनको पेश होना होगा कोर्ट में। अब जब वो पेश होती हैं कोर्ट का रुख क्या होता है उसको लेकर भी लगातार नजर है, ये पूरा मसला लगातार बढ़ रहा है। आपको याद है जिस तरीके से आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ में जो कथित तौर पर हाथापाई की बात कही गई, जो उनके साथ वहां पर बदतमीजी हुई, अभद्रता हुई, उसके बाद से ये पूरा मसला गरमाया, निलंबित कर दिया गया मेयर सौम्या गुर्जर को भी, साथ में पार्षदों को भी। अब कोर्ट में ये पूरा मसला चल रहा है, कोर्ट से ही लगातार ये सौम्या गुर्जर की तरफ से कहा भी जा रहा था कि उनको न्याय की दरकार है, कोर्ट से कुछ अच्छा फैसला उनके लिए आएगा। फिलहाल ये प्रसंज्ञान लिया गया, गिरफ्तारी वारंट है 4 पार्षदों के लिए और मेयर को पेश होने के लिए कहा गया है। इसी पर सीनियर एडवोकेट है AK Jain साहब, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK Jain सर, ये पूरा मसला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और साथ ही अब गिरफ्तारी वारंट भी पार्षदों के खिलाफ। देखिए, कोर्ट ने पहले इस चालान को वापस लौटा दिया था क्योंकि इस पर जो एक्यूज है उन पर सर्विस नहीं कराई गई थी। कोर्ट ने इस बात को भी बड़ा गलत लिया था कि बिना कारण 41A का नोटिस देकर और उसकी कंप्लाइंस किए बिना इसको पेश कर दिया गया है। उसके बाद तो पुलिस ने दोबारा नोटिस की तामील कराकर उनको पेश किया है और आज चारों वार्ड मेंबर उपस्थित नहीं हुए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया धारा 332, 353, 186, 120B के अधीन और सौम्या गुर्जर के ओर से उनके अभिभाषक ने उपस्थित होकर ये कहा कि उनका पुत्र बीमार है, बच्चा, इसलिए मानवीय आधार पर उनको 15 दिन के अंदर अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। और इन परिस्थितियों में चूंकि अब जब वो सरेंडर करेंगे
मतलब उनकी स्थिति सिर्फ इतनी सी है कि गिरफ्तारी वारंट 15 दिवस के लिए रोका गया है, इससे ज्यादा और उनको कोई फायदा नहीं मिला है, और वो भी मानवीय आधार पर, क्योंकि उनका बच्चा बीमार है, इस आधार पर उनको रोका गया है। अब उनको सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर करने के बाद न्यायालय उनको अभी रक्षा में लेगा और फिर न्यायालय देखेगा कि उनको जमानत दी जाए अथवा नहीं दी जाए। सामान्यतः ऐसे मामलों में न्यायालय जमानत नहीं देता है। अच्छा, लेकिन गिरफ्तारी जो होगी आप कह रहे 15 दिन के बाद ही होगी गिरफ्तारी? 15 दिन के बाद, अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो सरेंडर नहीं करती हैं, अच्छा, तो 15 दिन पश्चात उनका भी वैसे ही वारंट गिरफ्तारी निकाल दिया जाएगा, जैसा कि चार पार्षदों का निकाला गया है। इसमें नेक्स्ट डेट 2 अगस्त नियत की है और सिर्फ एक मानवीय आधार पर उनको 15 दिन की छूट दी गई है कि भाई आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने बच्चे का इलाज कराकर कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाएं। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका AK जैन साहब, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, कानूनी पहलू को समझाने के लिए भी। इसी के साथ ही यहाँ पर रुक रहे कुछ देर।